हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, जो हम इकोनॉमी मेड सिंपल की एक बेसिकली सीरीज़ है ये, जिसका ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर 3 ऑफ द इकोनॉमी सीरीज़ फॉर यूपीएससी। एंड अभी दूसरे वीडियो में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहा नहीं है, कंटेंट बहुत मेहनत से हम लोग बना रहे हैं। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क टू इन्वॉल्व इंक्लूड ऑल द थिंग्स, और उसको एक प्रॉपर पैटर्न में एक तरीके से आपके लिए कोर्सेज बनाना काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक टास्क है। तो अगर उसका फीडबैक आप प्रॉपर नहीं देंगे, आप उसको फीडबैक प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो वो इंटरेस्ट हमारा भी डाउन हो जाता है कि यार लोगों को पहला वीडियो चलो अच्छा था लेकिन ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स वीडियो 2 में रहा। तो प्लीज़ आप इस तरीके से चीज़ें ना करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे एंड वी कैन कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज, है ना। तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं अपनी जगह, बट फीडबैक आपका सही नहीं है। एंड प्लीज डू प्रोवाइड योर फीडबैक एंड प्लीज कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, है ना। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो 3। काफी कुछ आज भी आपको सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट अगर वीडियो आपको याद है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। मैंने आपको आउटपुट बताया था, आउटपुट के बारे में बताया था, गुड्स के बारे में बताया था, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड क्या होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होते हैं। फिर मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बताया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि जो वियर एंड टीयर होता है किसी भी मशीन में उसके रेगुलर वर्किंग में, जैसे हर चीज़ की एक एज होती है, घरों की एज जैसे 20 साल है सपोज, तो माना जाता है कि हर साल घर थोड़ा थोड़ा अपनी क्वालिटी लूज़ करता है और 20 साल में वो पूरा रिप्लेस किए जाने लायक हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन इज वियर एंड टीयर। तो एक उसी में, अब मैं पहले एक पॉइंट उस दिन रह गया था तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ पहले। डिप्रिसिएशन में वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन, और उसमें पहला स्टेटमेंट तो ये दे देंगे कि इट इज द वियर एंड टीयर ऑफ अ कैपिटल गुड, सही है। दूसरा स्टेटमेंट वो दे देंगे कि इन डिप्रिसिएशन वी ऑल्सो इंक्लूड द सडन और अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन में हम सडन या अनएक्सपेक्टेड जो डिस्ट्रक्शन होता है मशीन का वो इंक्लूड नहीं करते हैं। डिप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि साल दर साल किसी मशीन में, किसी कैपिटल गुड में होती है, हर साल उसका कुछ वियर एंड टीयर होता है एंड वो बनाता है डिप्रिसिएशन, जो ग्रेजुअल प्रोसेस है। डिप्रिसिएशन में हम कभी भी सडन और अनएक्सपेक्टेड, जैसे अचानक से आपकी मशीन टूट गई, आज ही आपने मशीन खरीदी और दो दिन बाद वो टूट गई, तो वो डिप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा, है ना, वो डिप्रिसिएशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो नया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट है फियाट मनी का। व्हाट इज दिस फियाट मनी? काफ़ी ये टर्म आपने सुना होगा फियाट मनी का। तो फियाट मनी क्या होती है मैं बता देता हूँ। फियाट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी। याद रखिएगा, जो पेपर करेंसी आप यूज़ करते हैं, जो कॉइन्स आप यूज़ करते हैं, वो है आपका फियाट मनी। फियाट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर। अब ये क्यों लिखा है मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, कमोडिटी करेंसी थी। कमोडिटी करेंसी मतलब कि जैसे आपके पास सपोज बकरियां हैं, गोट्स हैं, नाउ यू कैन एक्सचेंज दैट गोट फॉर समथिंग यू नीड, है ना। पहले ये होता था, तो पहले कमोडिटीज़ में चेंज होता था। धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर एक स्टैंडर्ड बन गए कि गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस में सब कुछ चीज़ें देखी जाने की, गोल्ड को एक यूनिट मान लिया गया। बट फियाट करेंसी क्या होती है, फियाट मनी जो होती है, फियाट मनी गवर्नमेंट इशूड करेंसी होती है। देखो, आपने जो आपके पास 100 रुपये की नोट होगी, आप उसका पेज देखो, उसका जो कागज़ है बिल्कुल लो क्वालिटी का कागज़ है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, बहुत महंगा कागज़ नहीं है, बट उसकी वैल्यू 100 रुपये है। तो फियाट मनी क्यों पावरफुल है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने पावर दी है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, फियाट मनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इशूड करेंसी, ऐसी करेंसी जिसको गवर्नमेंट इशू करता हो और वो किसी भी गोल्ड या सिल्वर फिजिकल कमोडिटी के थ्रू बैक्ड ना हो। मतलब उसकी उसकी ताकत इसलिए नहीं है कि कोई नोट, सोने का नोट तो आपने नहीं देखा होगा, है ना, जैसे 2000 का नोट है, 2000 के नोट से आप सोना ज़रूर खरीद लेते हो, आप सोना खरीद सकते हो ना 2000 के नोट से, बट क्या 2000 की नोट में कहीं सोना लगा रहता है? नहीं लगा रहता। मतलब वो करेंसी गोल्ड और सिल्वर के उस पर नहीं रहती है, बट उसको गवर्नमेंट ने उसको पावर दी है कि वो 2000 की नोट है, गवर्नमेंट ने उसको उतना पावर दिया हुआ है। तो फिजिकल जो फियाट करेंसी होती है, फियाट मनी होता है, वो गवर्नमेंट करेंसी होती है, गवर्नमेंट इशूड करेंसी होती है, इसलिए वो पावरफुल होती है। उसमें कोई गोल्ड या सिल्वर का हम बेसिस नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा। फियाट का मतलब क्या है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। फियाट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इट शैल बी,
लेट इट बी डन, इट शैल बी, याद रखिएगा डिक्री, मतलब उसको गवर्नमेंट ने पावर दिया दैट इट शैल बी अ 2000 रुपीज नोट, ये 2000 की नोट है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया है, है ना, तो आप उसको 2000 की नोट की तरह यूज करते हो। तो फियाट मनी इज बेसिकली अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो कि किसी भी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड ना हो, याद रखना सिंपल सी बात, गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो कि किसी भी फिजिकल करेंसी से बैक्ड ना हो। फियाट मनी में, फियाट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, फियाट मनी जो है वो सेंट्रल बैंक्स को ज़्यादा कंट्रोल देता है इकोनॉमी के ऊपर, क्यों देता है, क्योंकि वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि कितनी करेंसी छपेगी, हाउ मच करेंसी इज टू बी प्रिंटेड, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक्स, मतलब कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब डिसाइड करने वाला सेंट्रल बैंक है कि कितनी करेंसी छपेगी या कितना नोट्स प्रिंट होंगे, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, सेंट्रल बैंक के हाथ में आ गया। तो फियाट मनी वो टूल है बेसिकली जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि अगर पैसा कम है तो छाप भी देते हैं वो लोग, उससे डिप्रिसिएशन जरूर आता है हमारे, हमारी जो करेंसी हो थोड़ा उसकी वैल्यू गिर जरूर जाती है। ये सारे कंसेप्ट थोड़ा आगे आएंगे जब हम इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ेंगे, तो ये सारे कंसेप्ट आएंगे, बट याद रखिएगा फियाट मनी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमी के ऊपर, सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि कितनी करेंसी छपेगी या कितनी करेंसी नहीं छपेगी। तो आई होप फियाट मनी आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो कंसेप्ट है वो है लीगल टेंडर का, एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा था कि इसमें से क्या क्या लीगल टेंडर है क्या लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ दैट मनी विच, लीगल टेंडर मीन्स दैट मनी विच कांट बी रिफ्यूज, विच कांट बी रिफ्यूज टू सेटल द ट्रांजेक्शन, ये कांट होगा, इट कांट बी रिफ्यूज। अब देखो फियाट मनी मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी हो गया फियाट मनी, है ना, अब लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अगर कोई करेंसी को आप रिफ्यूज़ ना कर सकें किसी कंट्री में, तो वो उस कंट्री का लीगल टेंडर है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए, सपोज़ आई गेव माय फ्रेंड रुपीज़ 1000, अब अगर वो दोस्त मेरा मुझको 10 दिनों बाद 10-10 रुपये के 100 नोट देता है, मतलब कि वो मेरे को 1000 रुपये वापस कर रहा है, तो क्या मैं ये पैसा लेने से मना कर सकता हूँ, कैन आई से दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट 10 रुपीज़ नोट, आई विल टेक 100 रुपीज़ नोट, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लीगली मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 10 रुपये की नोट भी एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब कि आप वो ट्रांजेक्शन रिफ्यूज नहीं कर सकते, यू कांट रिफ्यूज द ट्रांजेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया है। अब जैसे मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे, क्योंकि आपने 10 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट, जो भी आपके पास नोट हो, अभी आपके जेब में कोई पैसा हो तो आप उसको निकालिए, उसमें देखो एक लिखा होगा गवर्नर का द्वारा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मीन्स द गवर्नर इज प्रॉमिसिंग, मीन्स द गवर्नर इज टेकिंग एन ओथ, गवर्नर एक ओथ ले रहा है कि मैं आई एम गिविंग दिस बियरर, द बियरर ऑफ दिस नोट द पावर ऑफ रुपीज 10, है ना, मैं इस धारक को 10 रुपीज का पावर देता हूं। तो बेसिकली लीगल टेंडर वो चीजें हैं जिनमें आप ट्रांजैक्शंस मना नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अगर कल आपको कोई 10-10 रुपए के 100 नोट दे और बोले ये लो 1000 रुपए, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं 10-10 रुपए के 100 नोट नहीं लूंगा, मैं 500 रुपए के 2 नोट लूंगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते, लीगली उसको ऐसा नहीं बोल सकते। या किसी दुकानदार को आप अगर 1000 रुपए देते हैं 10-10 रुपए में और आप बोलते हैं कि मुझे सामान दे दो 1000 का, तो वो आपको मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 10 रुपए का नोट एक लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने बोला है। और नीचे देखो मैंने लिखा है कि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है, इफ एनी पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट दैट, इसका मतलब क्या है कि वो RBI के गवर्नर की बेइज्जती कर रहा है, वो RBI के गवर्नर की पावर को नहीं मान रहा है, ये उसका मतलब, और उसके खिलाफ कानून की कार्यवाही भी की जा सकती है। तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये नोट नहीं लूंगा, स्पेशली वो जिनको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बनाया है। अब इससे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, देखना बहुत अच्छी चीज़ है कि डॉलर क्या है। डॉलर देखो क्या है, तो डॉलर क्या फियाट मनी है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डॉलर एक फियाट मनी है, तो बिल्कुल है, डॉलर बिल्कुल एक फियाट मनी है, यस डॉलर इज अ फियाट मनी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या डॉलर एक लीगल टेंडर है, फियाट मनी क्यों है, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट उसको पावर देती है, फियाट मनी क्यों है, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको करेंसी को प्रिंट किया है, लेकिन क्या वो लीगल टेंडर है, तो यस वो लीगल टेंडर है, लेकिन USA में, इंडिया में नहीं है लीगल टेंडर। क्यों लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको
120 रुपए देता हूँ उधार, और आप मुझे बोलो कि यार मैं तुमको $2 दे देता हूँ, $2 मैं देता हूँ, तो मैं मना कर सकता हूँ कि यार मैं डॉलर का क्या करूँगा, मैं डॉलर नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने डॉलर को पावर नहीं दिया है, डॉलर को लीगल टेंडर नहीं घोषित किया है। तो USA में ज़रूर वो लीगल टेंडर है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता डॉलर को, लेकिन इंडिया में लीगल टेंडर नहीं रहेगा डॉलर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि क्या लीगल टेंडर है इंडिया में, तो लीगल टेंडर अमेरिका में हो गए डॉलर, लेकिन इंडिया में नहीं है। क्यों? बिकॉज पीपल इन इंडिया कैन डिनाई टेकिंग डॉलर्स, हम डॉलर लेने से मना कर सकते हैं इंडिया में। अब हम देख लेते हैं कि नोट्स को और कॉइन्स को कैसे गवर्न किया जाता है, बता देता हूँ आपको, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नोट्स है आरबीआई की, वो गवर्न होती हैं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। जो नोट्स हैं, जो नोट छपती हैं, वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गवर्न होती हैं। ये अगर एक्ट आप पढ़ें, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रुपीज़ 2 से लेकर 2000 तक की सारी नोट्स उसके अंदर आती हैं। रुपीज़ 2 से लेकर 2000 तक की जो नोट्स हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आती हैं। हालांकि जो 2 रुपये का नोट था वो 1995 से बंद हो गया है। ओके, तो 2 रुपीज़ से लेकर 2000 तक का जो नोट है उसको कौन गवर्न करता है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। जो 1 रुपये का नोट है, अगर आपको देखा हो कभी आपने 1 रुपये का नोट, तो 1 रुपये का जो नोट है वो क्वाइनेज एक्ट 2011 में आता है, और उसको साइन कौन करता है? फिनेंस सेक्रेटरी करता है। जैसे 10 रुपये का नोट आप देखो तो गवर्नर साइन करता है, 2 रुपये का नोट भी अगर आप देखोगे तो गवर्नर का साइन मिलेगा आपको, जो पुराने 2 रुपये के नोट है। लेकिन अगर 1 रुपये का नोट देखोगे तो उसको फिनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। और 1 रुपये का जो नोट आता है वो क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर आता है, क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर आता है। तो आई होप ये कंसेप्ट कुछ नए आपको सीखने को मिल रहे होंगे। कॉइन्स की बात कर लेते हैं, तो आपको समझ में आया ना लीगल टेंडर इंडिया में कौन से? जैसे ये नोट्स हो गई 100, 50, 2, 10, ये सारे लीगल टेंडर हैं। कॉइन्स देखो, मैंने बताया आपको कॉइन्स आर गवर्न्ड बाय द क्वाइनेज एक्ट ऑफ 2011, और उसमें रे वन, रुपीज़ वन भी इंक्लूडेड रहता है, रुपीज़ वन का नोट भी उसके अंदर रहता है। कॉइन के बारे में देखो, इस एक्ट में लिखा क्या है, क्वाइनेज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्वाइन मीन्स एनी क्वाइन विच इज़ मेड ऑफ एनी मेटल और एनी मटेरियल स्टैम्प्ड बाय द गवर्नमेंट। आपने देखो गवर्नमेंट का स्टैम्प रहता है, उसमें स्तंभ बना रहता है। ओके, एंड इट इज़ एम्पावर्ड एज अ लीगल टेंडर। तो याद रखिएगा, कॉइन्स आर ऑल्सो अ लीगल टेंडर। ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कौन से लीगल टेंडर है, और ऑप्शन में नोट्स और कॉइन्स दोनों थे अलग अलग। तो याद रखिएगा, लीगल टेंडर कॉइन्स हैं, याद रखना ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ आपके लिए। एक होमवर्क ये बताना, चेक्स क्या लीगल टेंडर है? आर चेक्स लीगल टेंडर? ध्यान से सुनो क्वेश्चन, चेक क्या लीगल टेंडर है? चेक, अ चेक इज अ लीगल टेंडर और नॉट? दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कॉइन्स का जरूर याद रखना कि वो लीगल टेंडर होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिजाइन। कॉइन्स भी लीगल टेंडर होते हैं, नोट्स लीगल टेंडर होती हैं। तो कॉइन्स याद रखना, क्वाइनेज एक्ट 2011 के थ्रू मॉनिटर किए जाते हैं। अब कुछ नए तरीके के भी ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं, नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। अब नए तरीके के ट्रांजेक्शन्स की बात कर लेते हैं। जो नया तरीका है आज का है वो है कैशलेस या डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो कैशलेस या डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर डिफाइंड एज ट्रांजेक्शन्स इन विच द कस्टमर ऑथराइजेज द ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सिंपल सी बात याद रखिएगा, एक ऐसा माध्यम जिसमें कस्टमर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो आप इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस में जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिसमें कोई भी फिजिकल एंटिटी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, मतलब फिजिकल फ्लो ऑफ मनी नहीं है। मैंने आपको 100 रुपये ना दे के, जैसे हमारी जो PDF है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ही करते हैं, है ना, आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट करते हैं, आपको PDF मिल जाती है। तो बेसिकली एक ये कैशलेस मीन्स है, हमको कैश नहीं दिया आपने, आपको PDF मिल गई, हमने आपको हार्ड कॉपी नहीं दी, हमने आपको PDF दे दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और आपने हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका पेमेंट कर दिया। तो ये बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, आप ऑथराइज कर रहे हो ई स्पेस पे। डिजिटल पेमेंट प्रमोट क्यों की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, क्यों प्रमोट की जा रही है? क्योंकि इट इज़ फास्ट एंड इजी वे टू मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट, जैसे आपको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, या मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, बट देन ऑल्सो आपके पास वो PDF आ जा रही है, मेरे पास पेमेंट आ जा रहा है, तो ये ईजी तरीका है, और लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट्स को करने का बहुत आसान तरीका है डिजिटल पेमेंट। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैश। एक्चुअल ट्रांसफर नहीं तो हैजल फ्री है, मतलब कोई इसको होल्ड करने का, रखने का टेंशन नहीं, सीधे बैंक अकाउंट में आपको स्टोर हो जाएगा।
इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। अगर हार्ड फॉर्म में आप रखते हो कैश को तो उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता आपको। तीसरा जो रीज़न है वो है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि डिजिटल स्पेस में वो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देता है। कोई भी पेमेंट अगर आप डिजिटल स्पेस में कर रहे हो, जैसे मैं डिजिटल पेमेंट अगर कर रहा हूँ, तो उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट होगा, उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी होगा, उस ट्रांजेक्शन आईडी से कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है, मेरे बैंक अकाउंट में वो डिटेल्स आ जाएंगी, तो मैं कहीं उसकी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, तो वो ट्रांसपेरेंट है। टैक्स की चोरी नहीं कर पाऊंगा तो करप्शन भी कम होगा, तो इट हेल्प्स इन कर्विंग द करप्शन एज वेल, इसलिए डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं कि पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस, पीपल लोग अभी भी ज़्यादा अवेयर हैं नहीं। डीमोनेटाइजेशन के बाद ज़रूर थोड़ा सा बढ़ा था, जब 8 नवंबर को अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद थोड़ा ज़रूर डिजिटल पेमेंट बढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो सबसे ईजी लोगों को कैश देना लगता है आज भी, इसलिए लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं है और लोगों को लगता है कि कैश ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो यूज़ टू हैं। हम अपने कम्फर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही करते रहें, है ना, इसलिए लोग कैश पे ही रहते हैं, डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज, मतलब कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट करनी है तो आपको एक तो मोबाइल चाहिए, दूसरा आपको नेट कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द मीडियम्स हैं उसमें आपको नेट कनेक्टिविटी और मोबाइल्स चाहिए। तो इस कारण से भी ये चैलेंजेस जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, उस कारण से भी डिजिटल पेमेंट नहीं इतना बढ़ पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिजिटल पेमेंट या कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में देखी। अब मैं आपको कुछ कमिटीज़ के बारे में बताता हूँ जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कमिटीज़ बनी है। तो एक कमेटी अभी रिसेंटली जनवरी 2019 में बनाई गई है, वो है नंदन नीलेकानी कमेटी। तो नंदन नीलेकानी कमेटी जो थी वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ही बनाई गई थी। जो बेसिक एम था इस कमेटी का वो यही था कि डिजिटाइजेशन को बढ़ाना है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है और डिजिटल पेमेंट्स में इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, मतलब इंक्लूजन करना है लोगों को, और से और ज़्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रमोट करना है, अवेयर करना है उनके बारे में। दूसरी जो कमेटी है वो है रतन वतल कमेटी, काफ़ी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। रतन वतल कमेटी जो थी वो थी डिजिटल पेमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में ही, है ना, दे ऑल्सो सबमिटेड द रिपोर्ट, और जो नंदन नीलेकानी है उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। बेसिक उनका रिकमेंडेशन ये था कि जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस लगती है उसको आप फ्री कर दो। एक कारण ये भी है कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं आते, क्योंकि अगर मैं आपको कैश दे रहा हूँ तो अगर मुझे आपको 2000 रुपये देना है तो मैं आपको 2000 रुपये ही दूंगा, लेकिन अगर मैं डिजिटल स्पेस में वही चीज़ करता हूँ तो थोड़ा ट्रांजेक्शन जाता है, थोड़ा मिडिल जो बीच में आपका कैरियर रहेगा उसका भी फीस रहेगा, ट्रांजेक्शन फीस रहेगा, तो लोग डिजिटल पेमेंट इसलिए भी नहीं प्रीफर करते हैं। तो नंदन नीलेकानी कमेटी ने यही रिकमेंडेशन दिया था कि जो ट्रांजेक्शन फीस है एटलीस्ट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पर वो ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगनी चाहिए, वो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। एक और कमेटी थी डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन के लिए, वो थी चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर्स कमेटी। तो ये तीन कमेटीज भी याद रखिएगा, नंदन नीलेकानी कमेटी, रतन वतल कमेटी, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर्स कमेटी। तो ये करंट अफेयर्स से भी हमने इसको जोड़ दिया ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल आप बता सके ये हर एक चीज। डिजिटल पेमेंट के वेरियस मींस देख लेते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे 10 तरीके मैंने देखो लिख दिए हैं, 10 तरीके हैं डिजिटल पेमेंट के जो मेरे को समझ में आए। एक है बैंकिंग कार्ड, जो बैंक का कार्ड आप यूज करते हो। एक USSD होता है, USSD अनस्ट्रक्चर्ड एक नंबर होता है, बेसिकली स्टार आपने सुना होगा, *99# करके एक नंबर NPCI ने बनाया था, मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड मतलब कि आपका आधार नंबर लिंक रहेगा, उस आधार नंबर के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। UPI आपको पता ही है कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये बनाया गया था कि आपका एक UPI ID रहेगा, उसके थ्रू आपके पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है, आजकल सब भी लगभग ओला में भी ओला वॉलेट आ गया है, ये सब चीज़ें आ गई हैं। देन बैंक प्रीपेड कार्ड, कुछ प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जिनमें जैसे एक कार्ड होगा जिसमें 500 रुपये का रिचार्ज रहेगा, बाउचर रहेगा। स्पेशली आपने अगर मॉल्स में गेम जोन देखा हो, गेम जोन जो रहता है अमीबा जो ये सब बने रहते हैं ना, वहाँ आप जाओ तो आपको एक प्रीपेड कार्ड देते हैं कि इसमें 500 रुपये का बैलेंस है, आप जाओ तो 500 रुपये के गेम्स खेल सकते हो, है ना, तो वो एक प्रीपेड कार्ड है। देन पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल इस तरह की एक मशीन होती है जिसमें आपका कार्ड इस तरह से डाला जाता है, उसके बाद आपका पिन विन डलवा के वो पेमेंट कर देते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग, अमेज़न में आपने कुछ खरीदा हो, अमेज़न में आपने किया होगा कोई चीज़, वो इंटरनेट बैंकिंग हुई। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल में आपने इंटरनेट के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन किया तो मोबाइल बैंकिंग होगी। देन भीम ऐप आपका, जो भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप है, वो भी एक तरीके का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो ये 10 अलग अलग तरीके के डिजिटल पेमेंट तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे आपको विजुअल फॉर्म में मैं एक बार दिखा देता हूँ ये चीज़, देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको पहली फोटोग्राफ दिख रही है ना, ये आपका POS है, पॉइंट ऑफ सेल,
यही आपका बैंकिंग कार्ड में भी यही काम आएगा। देखो बैंकिंग कार्ड भी आपने यूज़ किया है, ये पॉइंट ऑफ सेल होता है, इस तरीके से आपने पेमेंट की होगी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का भी देखो डायग्राम यहाँ बना हुआ है। आधार नंबर होता है, इस तरह से वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट ली जाएगी और वो ट्रांजैक्शन आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये आपका। फिर वॉलेट में देखो पेटीएम बना हुआ है, भीम में भारत इंटरफेस फॉर मनी है, यूएसएसडी जो मैं आपको बता रहा था, यूएसएसडी में क्या है बेसिकली एनपीसीआई ने क्या किया है कि एक सिक्योर्ड वे ढूंढी है, जैसे स्टार 99 हैश, ये एक नंबर है, इस तरीके से एक अनस्ट्रक्चर्ड नंबर बनाया जाता है, फिर आप उस नंबर के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यूएसएसडी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन का ही मोड है, काफ़ी सिक्योर्ड मोड माना जाता है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो कि आपके डिजिटल तरीके हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के उसके ट्रांजैक्शन के लिए। अब एनपीसीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिख रहा होगा आपको, तो एनपीसीआई क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एनपीसीआई का जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये फाउंड हुई थी 2008 में। कब बनी थी? 2008 में ये बनी थी, ओके 2008 में बनी थी। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2008 में बनी थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में ये मेंशनड है। इसको ओन कौन करता है? बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ मेजर बैंक, जो 10 मेजर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचएसबीसी हो गया, एसबीआई हो गया, इस तरीके के मेजर जो बैंक्स हैं वो इसको ओन करते हैं, और इसका बेसिकली प्रमोटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो सर्विसेज एनपीसीआई ने बनाई है, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज एनपीसीआई ने बनाई है, तो ये सर्विसेज एनपीसीआई ने बनाई है, एक बार याद रखना। रुपे कार्ड आप लोग पता है ना, रुपे कार्ड होता है वो बनाया है, रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाया है, भीम आपका एनपीसीआई का है, यूपीआई आपका एनपीसीआई का है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम करके एक सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS कहते हैं उसको, वो भी एनपीसीआई का है, स्टार 99 हैश यूएसएसडी नंबर भी एनपीसीआई का है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी एनपीसीआई का है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये भी एनपीसीआई का है, भारत क्यूआर एनपीसीआई का है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई का। तो याद रखिएगा कि ये सारी सर्विसेज जो हैं वो एनपीसीआई की सर्विसेज हैं, याद रखना है ना। कौन कौन सी? रुपे कॉन्टैक्टलेस, भीम, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, स्टार 99 हैश, यूएसएसडी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच और भारत क्यूआर। इन सारों में से आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं पता होगा, आई होप आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है। देखो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। स्लाइड में कुछ आ रहा है तो मुझे पता है कि क्या चीज़ आपको बतानी है और किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा बढ़ाना है। अभी जो चीज़ है वो प्री मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाई जा रही है। अब मुझे पता है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो लेट मी गिव यू अ जिस्ट ऑफ दैट ऑल्सो, क्या है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पहले क्या सिस्टम था मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर आपने से आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए पैसे जमा करने हैं, सपोज तो आप सिटी दिल्ली में हैं और फैमिली आपकी मुंबई में है, ठीक है। अब होता क्या था, पहले आपने चेक डिपॉजिट किया, तो आप चेक कहाँ डिपॉजिट करोगे? दिल्ली में डिपॉजिट करोगे। तो पहले क्या होता था, ये फिजिकल मूवमेंट होता था चेक का फिजिकल मूवमेंट होता था, ये चेक दिल्ली से बॉम्बे जाता था, उसके बाद आपका पैसा क्लियर होता था। अब वो चीज़ चेंज कर दी गई है। अब क्या किया गया है कि चेक में क्या होता है, एक MICR कोड होता है, मतलब कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मेथड के थ्रू क्या किया जाने लगा है कि आपके चेक का डाटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब चेक्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं किया जाता, अब चेक्स का जो डाटा है वो MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू वो इमेजेस लेके वो ऑनलाइन डाटा चेंज कर चेक ट्रांसफर किया जाता है। तो चेक ट्रंकेटिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रंकेशन क्या हुआ? यहाँ चेक ट्रंकेशन का मतलब ये हुआ कि अब चेक का फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, केवल ऑनलाइन मूवमेंट होगा, ओके ये समझ में रखना। और आपका पैसा बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब आपका पैसा बहुत जल्दी चेक आपका क्लियर कर दिया जाएगा, जो पेमेंट बैंक है बहुत जल्दी उस पैसे को क्लियर कर देगा। तो ये आपको सिस्टम समझना है। बेसिकली क्या है ट्रंकेशन का मतलब, क्या होता है ट्रंकेशन का मतलब, होता है कोई चीज़ को कट करना। तो चेक ट्रंकेशन में क्या चीज़ कट हो गई, चेक का फिजिकल मूवमेंट कट हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो क्या है, फिजिकल जो चेक का मूवमेंट था वो कट हो गया है और हो क्या गया, ऑनलाइन जो आपका चेक का डेटा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आपका चेक बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाता है। तो जो
बहुत सारी चीज़ें जो हैजल फ्री हो गया है, फास्ट हो गया है सिस्टम। अब आप आजकल देखो, आज आपने कोई चेक डाला तो शाम तक आपका पैसा क्लियर हो जाता है ना। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले पूरा फिजिकल मूवमेंट होता था चेक का। तो ये आप याद रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो इसका फ्लो डायग्राम दिखा देता हूं। देखो आप प्रेजेंटिंग बैंक में जाते हो, यहाँ पे देखो प्रेजेंटिंग बैंक में, यहाँ पे चेक का MICR डेटा कैप्चर करके स्कैन कर दिया जाता है और ये डेटा यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस में भेजा जाता है। क्लियरिंग हाउस से ये डेटा जाता है पेइंग बैंक के पास, पेइंग बैंक के पास डेटा पहुँच गया और ये आउटवर्ड रिटर्न मतलब कि उनको एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। और जो चेक है, अब आप बोलोगे यार जो हम चेक देते हैं वो कहाँ जाता है, अगर वो फिजिकल नहीं आता तो कहाँ? तो चेक जो है एक कॉमन वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है। याद रखना, सारे जो चेक्स हैं वो एक कॉमन वेयर हाउस में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब वो एक बैंक से दूसरे बैंक नहीं जाते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है CTS का। आई होप आपको समझ में आ गया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, हर वीडियो आप कंटेंट देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। अब हम बात करते हैं वर्चुअल करेंसी की। अब मनी की बात कर ली, कॉइन्स की बात कर ली, बाकी हमने बहुत चीज़ों की बात कर ली, अब हम वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं। वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन FATF ने क्या दिया, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता होगा कि 1989 में बना था, G7 की इनिशिएटिव पे बना था और टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बेसिकली इसके दो काम है ना, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट देन ब्लैक लिस्ट किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। FATF ने वर्चुअल करेंसी की क्या डेफिनेशन दी है, मैं वो बताता हूँ। कोई भी ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन, वर्चुअल करेंसी क्या है, कोई भी ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं, कोई भी ऐसा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किसी वैल्यू का, जैसे ₹50 एक वैल्यू है। अब इसका अगर हम डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऐसे फॉर्म में करते हैं, डिजिटली ट्रेड करते हैं इसको, कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ हो जाए, एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो जाए और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी के तीन फंक्शन मैंने आपको बताए थे ना, मनी के तीन फंक्शन बताए थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ऐसा वर्चुअल करेंसी, कोई भी ऐसा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इन तीनों तरीके से यूज़ तो हो रहा है लेकिन लीगल टेंडर नहीं बनाया गया है उसको, ये याद रखना। वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती है, वर्चुअल करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन काम वो सारे करती हैं। ये सिंपल सा फंडा आप याद रखना कि मनी जैसा ही अगर फंक्शन है बट लीगल टेंडर नहीं है तो फिर वो वर्चुअल करेंसी होगी। ऑनलाइन स्पेस में देखो, दो कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए, एक तो वो ऑनलाइन सिस्टम होगा, दूसरा मनी के सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे बट वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। ये तीन चीज़ें याद रखना, ऑनलाइन होगा, मनी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे बट वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ जो आपकी हो गई, ये होगी वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी का जो है वो नाइदर इशूड नॉर गारंटीड बाय एनी ज्यूरिसडिक्शन, ना उसको इशू करता है कोई गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल बैंक, ना उसको गारंटी करता है। तो ये याद रखना कि वर्चुअल करेंसी क्या हो गई, मनी की तरह फंक्शंस परफॉर्म करेगी, डिजिटली ट्रांजेक्शन होगा उसका लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं होगी, तो वर्चुअल करेंसी इसे कहते हैं। वर्चुअल करेंसी और फियाट करेंसी क्या सेम है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। देखो फियाट करेंसी क्या हो गई, फियाट करेंसी बना था गवर्नमेंट बैक्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट उसको इशू करता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी को गवर्नमेंट इशू नहीं करता है, ये याद रखना। नाइदर वर्चुअल करेंसी इज ई मनी, ई मनी भी आपको एक ई मनी नाम की भी चीज़ होती है, आपको लग रहा होगा कि ई मनी भी वर्चुअल करेंसी है, नहीं, ई मनी वर्चुअल करेंसी नहीं है। ई मनी में क्या हो रहा है कि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, अब वो पैसा लीगल टेंडर है ना, आपका जो पैसा है वो लीगल टेंडर है। वर्चुअल करेंसी कोई दूसरी चीज़ है जो मनी की तरह काम कर रही है लेकिन मनी नहीं है, वो मनी की तरह काम तो कर रही है लेकिन वो प्रॉपर मनी नहीं है और उसको प्रॉपर लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। ई मनी इज़ डिफरेंट। ई मनी में क्या होता है कि आपके अकाउंट में, जैसे मेरे अकाउंट में सपोज 1,00,000 रुपये आज हैं, मान लो सपोज करना मेरे अकाउंट में सपोज 1,00,000 रुपये हैं अभी, तो वो 1,00,000 रुपये जो हैं वो ई मनी है, मतलब कि वो लीगल टेंडर भी है, मैं चाहूँ तो उसको निकाल के किसी को पैसा दे सकता हूँ और वो गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब वो गवर्नमेंट ने वो 1,00,000 रुपये मुझे दिए हैं, है ना, गवर्नमेंट ने उसको प्रॉमिस किया कि हमारे खाते में 1,00,000 रुपये हैं और मैं चाहूँ तो इसे 1,00,000 का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। बट जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ये वर्चुअल करेंसीज होती है, मतलब कि ये इनको गवर्नमेंट बैकिंग नहीं देता, बट बिटकॉइन की भी एक प्राइस होती है, बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हो आप चीज़ें खरीदने में, तो वो मनी की तरह काम भी करता है लेकिन वो गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती है। तो ई मनी और वर्चुअल करेंसी में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ई मनी जो है वो एक फियाट करेंसी है,
ई मनी जो है वो फियाट करेंसी का ट्रांजेक्शन है, ई मनी जो है वो आपके लीगल टेंडर का ट्रांजेक्शन है, लेकिन वर्चुअल करेंसी जो है वो आपका लीगल टेंडर नहीं है, वर्चुअल करेंसी आपका लीगल टेंडर नहीं है, तो ये डिफरेंस भी याद रखना। अब हम वर्चुअल करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या होता है, एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिंपल सी बात, क्रिप्टो करेंसी नाम कैसे पड़ा, जब वर्चुअल करेंसी में हम क्रिप्टोग्राफी कर देते हैं, मतलब उसको थोड़ा इनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो सिक्योरिटी पर्पस से सेफ हो जाए, तो वो कहलाती है आपकी क्रिप्टो करेंसी। सिंपल तरीके से समझोगे तो मैं सब चीज़ें समझा दूंगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी या एक ऐसी वर्चुअल करेंसी जिसका जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में हम इनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ कोड कर देते हैं, उसमें कोडिंग कर देते हैं तो वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना। इनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये याद रखना। इसीलिए हम इसको लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, क्योंकि नाइदर बैंक्स नॉट गवर्नमेंट, दे बोथ डू नॉट ऑपरेट ऑन दीज क्रिप्टो करेंसीज, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि जिसमें क्या होता है, इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ होता है, और वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं, ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अ सेंट्रल बैंक, क्योंकि उसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होता है, याद रखना। और ये मैथ बेस्ड होते हैं, मतलब एक फार्मूला, एक पजल के थ्रू इनको माइन किया जाता है। जो प्रोसेस होती है क्रिप्टो करेंसी निकालने की, वो माइनिंग कहलाती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। मैथ बेस्ड फार्मूला होता है, बड़े बड़े आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए इन क्रिप्टो करेंसीज को निकालने के लिए, क्रिप्टोग्राफी करने के लिए। सिंपल सा फंडा याद रखें, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट द लीगल टेंडर्स। अगर यूपीएससी कभी आपको स्टेटमेंट देता है कि क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो लीगल टेंडर्स, तो लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन मना कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा जो मैंने बताया कंसेप्ट वही रहेगा कि जिस चीज़ का ट्रांजेक्शन आप मना कर सकते हैं वो लीगल टेंडर नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी में आप मना कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं बोला है कि क्रिप्टो करेंसी मना नहीं कर सकते आप, इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं है। देखो बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स की क्लियर हो जाएंगी, एक एक बस आप ध्यान से पढ़ते रहो। सब आज के वीडियो में देखो कितनी नई चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, क्रिप्टो करेंसी, ई मनी, और मैंने आपको सारे डिजिटल पेमेंट के तरीके बता दिए, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, NPCI अपन ने डिस्कस कर लिया, बहुत नई नई चीज़ें पढ़ी। बिटकॉइन क्या है बताता हूँ, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। देखो मैंने कितना ऑर्डरली बताया, पहले आपको मैंने वर्चुअल करेंसी बताया, वर्चुअल करेंसी मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी बताया, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की वर्चुअल करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम आ गए बिटकॉइन में। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो पीयर टू पीयर बेसिस पे काम करती है। पीयर टू पीयर बेसिस का मतलब क्या है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड। ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ ना, बस अगर आप ये टर्म्स समझ लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ बस एज इट इज़ याद रखना। बिटकॉइन जो होता है एक क्रिप्टो करेंसी होती है, यानी कि एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि पीयर टू पीयर बेसिस पे काम करती है, मतलब पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, आप डायरेक्टली किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिटकॉइन का, पीयर टू पीयर। और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड क्यों, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर में, मतलब लेजर यानी रिकॉर्ड होता है, वहां पे ये सारा डेटा फीड होता है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो जाके एक रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एक का रीजन एक और है कि क्यों है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो इसको गवर्न कर रहा है, ये ओपन सिस्टम है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मतलब कोई भी बैंक नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रहा हो, या कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रही हो, तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो इसको मॉनिटर कर रही हो, याद रखना। करेंसी नोट्स की जैसे इनको भी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेज सकते हैं, है ना, विदाउट अ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अटेम्प्टिंग टू ट्रैक इट, कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसको ट्रैक नहीं करता है ना, इंटरफेरेंस नहीं रहता है, फ्री है, ओपन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर। क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्रिप्टो करेंसी है एक तरीके की बिटकॉइन, और क्रिप्टो करेंसी में क्या था, क्रिप्टोग्राफी की जाती थी, इनक्रिप्टेड सिस्टम था, तो कोई अथॉरिटी आपके ट्रांजैक्शन को इस तरह से ट्रैक नहीं कर सकती, ठीक है ना। बिटकॉइन के बारे में थोड़ा उसकी हिस्ट्री बता दूं, जो बिटनेम का, बिटकॉइन का जो डोमेन है bitcoin.org, ये रजिस्टर हुआ था 18 अगस्त 2008 में ये हुआ था रिकॉर्ड, और 31 अक्टूबर को एक पेपर रिलीज हुआ था बाय द नेम सतोशी नाकामोटो, याद रखना ये नाम, याद रखना सतोशी नाकामोटो, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, सतोशी नाका
मोटो, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन जिसको कहा जाता है कि बिटकॉइन का फादर बोला जाता है बेसिकली, और इसकी आइडेंटिटी आज तक हिडन है. ओके, नाकामोटोज आइडेंटिटी इज हिडन टुडे ऑल्सो. तो नाकामोटो ने 2009 में पहला अपना बिटकॉइन उसने माइन किया था, और जो पहला बिटकॉइन माइन हुआ था उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक. याद रहे, टर्म्स भी बता दे रहा हूँ मैं आपको. जिसकी यूनिट होती है वो हैश रेट होती है, हैश रेट इज द यूनिट. ओके, हैश रेट यूनिट होती है, और जो पहला बिटकॉइन निकला था वो था जेनेसिस ब्लॉक, उसको बोला जाता है. 3 जनवरी 2009 को वो पहला सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी से वो बिटकॉइन माइन किया गया था. ठीक है, FAQs कुछ आपके होंगे, जैसे कि बिटकॉइन जनरेट कैसा होता है, कैसे होता है. तो बिटकॉइन जो जनरेट होता है वो मैथमेटिकल पजल के थ्रू होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन रहती है जो आप सॉल्व करते हो. बड़े सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बड़े आपको सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके वो सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आपको बिटकॉइन मिलता है. जो प्रोसेस होती है बिटकॉइन निकालने की वो माइनिंग कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द बिटकॉइंस इज नोन एज माइनिंग. अब बिटकॉइन आपको कहाँ मिल सकते हैं, बिटकॉइन एक्सचेंजेस में आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दे तो आपको बिटकॉइन मिल सकते हैं, या फिर आप बिटकॉइन माइनर बन जाओ, मतलब कि आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पजल सॉल्व करके अपना खुद का बिटकॉइन माइन करो. तो ये 3 तरीके हैं बिटकॉइन लाने के. आप बिटकॉइन किसको भेज सकते हो, किसी भी व्यक्ति को जिसका आपको बिटकॉइन एड्रेस पता हो आप उसको बिटकॉइन भेज सकते हो. ठीक है, पीयर टू पीयर पर्सन टू पर्सन सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है. ठीक है, ये पूरा डेटा जो है मैंने आपको बताया था ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में स्टोर होता है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं. ब्लॉकचेन इज बेसिकली द डिसेंट्रलाइज्ड लेजर जो फैसिलिटी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है. ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन का यूज़ करेगी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी. बट बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में डिफरेंस है, याद रखना. बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन एक मेथडोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है. याद रखना, ब्लॉकचेन क्या है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. लेजर मतलब कि वहाँ एक पूरा अकाउंट बनता है, ये बिटकॉइन इस व्यक्ति ने निकाला, ये बिटकॉइन इस आइडेंटिटी ने निकाला, ऐसे ऐसे पूरे बिटकॉइन का एक रिकॉर्ड बना हुआ है, एक रिकॉर्ड बुक है. वही लेजर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है. तो ब्लॉकचेन क्या है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है. ठीक है ना, वो सारे ट्रांजेक्शन आपके वेरीफाई होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन आपको जाके वहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ब्लॉकचेन वो कहलाता है. दैट इज द स्टोरी बिहाइंड ब्लॉकचेन. अब मैं आपको इंडिया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ें, इंडिया का स्टेटस क्या है. 2018 में इंडिया में RBI ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि बैंक्स आर प्रोहिबिटेड. ध्यान से सुनना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया के RBI ने 2018 अप्रैल में बोला था, बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस इन रिलेशन टू वर्चुअल करेंसीज. हम RBI स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है वर्चुअल करेंसीज को लेके, और RBI ने स्ट्रिक्टली कहा है कि बैंक्स जो है वो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू वर्चुअल करेंसीज परचेजिंग और सेल. तो वर्चुअल करेंसीज का ट्रांजेक्शन जो है RBI ने बिल्कुल मना किया है. क्यों? बिकॉज RBI का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज कैन फंड इललेजिटिमेट एक्टिविटीज, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहता ना क्रिप्टो करेंसी पे, गवर्नमेंट का, बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए इललेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए उनका यूज किया जा सकता है. और अगर आप फाइनेंस सिक्रेटरी का रिपोर्ट देखें तो उसमें भी एक चीज लिखा था कि गवर्नमेंट डज नॉट कंसीडर क्रिप्टो करेंसीज एज लीगल टेंडर. लीगल टेंडर गवर्नमेंट नहीं मानता है क्रिप्टो करेंसीज को. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू एलिमिनेट द यूज ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज फॉर फाइनेंसिंग द इललेजिटिमेट एक्टिविटीज. मतलब गवर्नमेंट का सिंपल सा रीजन क्या है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को नहीं मान रहे हैं, ये उनकी रिपोर्ट से ही निकाला गया है. गवर्नमेंट का सिंपल रीजन ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि क्रिप्टो करेंसीज का यूज जो है वो इललेजिटिमेट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए किया जाए, क्योंकि सिंपल सी बात मैंने बताया कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, ये बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ना. तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो चाहती है बेसिकली कि क्रिप्टो करेंसीज को ना कंसीडर किया जाए. तो ये मैंने आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बता दिया. एक क्वेश्चन था UPSC CDS में पूछा गया 2017 में बिटकॉइन के बारे में. अब आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे, जैसा मैंने आपको बताया था ना, खुद सॉल्व कर लोगे. पहला, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी. सही है कि गलत, खुद सोचना, बता दोगे आप. सेकंड, इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. तीसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ लीगल टेंडर. देखो ये क्वेश्चन आया था UPSC 2017 CDS में, कितने आसान क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया ना कि ये वर्चुअल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बिल्कुल सही हो गया. जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, मैंने बताया कंप्यूटर आपको चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए, बड़े बड़े कंप्यूटर पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही हो गया. रिजर्व बैंक का मैंने आपको बता दिया कि उसने खुद ही मना किया है लीगल टेंडर के लिए, तो ये गलत हो गया. 1 and 2 will be the answer, B will be the answer.
इसका आंसर देख लेते हैं, बी इज द आंसर 1 and 2। सो दैट इज इट फॉर द डे, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आज सीखी, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, बट प्लीज़ डू प्रोवाइड योर फीडबैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो तभी हमको पता चलता है कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही है नहीं। प्लीज़ डू प्रोवाइड योर फीडबैक ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।